80 के दशक में भारत में कंप्यूटर क्रांति की शुरुआत के साथ ही मध्य भारत के एक युवा ने कंप्यूटर क्रांति को ग्रामीण भारत तक ले जाने और जनमानस को कंप्यूटर कौशल में शिक्षित करने का असंभव स्वप्न देखा। ग्रामीण भारत में कंप्यूटर केंद्रों की शुरुआत और उनका संचालन करना असंभव चुनौती थी, लेकिन श्री संतोष चौबे ने सक्षम भारत बनाने के अपने स्वप्न को नए आयाम दिए। देयर आर थ्री पिलर्स, वन लैंग्वेज, सेकंड पिलर इज फोकस ऑन स्मॉलर टाउन्स एंड द विलेजेस, एंड द थर्ड थिंग इज व्हेन यू स्टार्ट ट्रेनिंग इन अ रूरल सिनेरियो, यू फाइंड दैट देयर आर मल्टीपर्पस टास्क व्हिच आर फॉलिंग ऑन यू। I mean, it's not only training, people also come to you for repair of their local gadgets, or they will say that, you know, can you maintain my computers in this area? Banks will come to you, schools will come to you. So then we started becoming popular in that school and we became a multipurpose center. So these three are the basic pillars of the SECT society. इस पहले कदम के साथ आईसेक्ट आज पूरे देश में ग्रामीण भारत के अंचलों तक अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ सफलता के कीर्तिमान रच रहा है।